नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज भाटिया प्रॉपर्टी मास्टर से आपका फिर स्वागत करता हूं हमारे प्रॉपर्टी मास्टर चैनल में। आज मैं आपको लेकर आया हूं एल ब्लॉक में, जो कि यहां पर एलीट फ्लोर्स बने हुए हैं। एल ब्लॉक के एलीट फ्लोर्स हर जगह फेमस हैं सेक्टर 84 के, जो कि आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इसकी लोकेशन कितनी प्यारी है। यहां पर पूरा ग्रीन एरिया है साइड पे। ग्रीन एरिया के अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये हमारे पास रेडी टू मूव प्रोडक्ट है, ये रीसेल में अवेलेबल है। अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ चीज़ कैसी है। ये है 250 गज का फ्लोर, 3 BHK। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, ये लो राइज है। बेसिकली मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये है इसका ग्राउंड फ्लोर। अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करूँ, उससे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है, इन्होंने जो सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, एक छोटा सा गार्डन इन्होंने मिनी गार्डन सेटअप कर रखा है। मिनी गार्डन के अलावा हमारे पास मेन एंट्री ये भी है, और इसके बाद हमारी ये एक एंट्री और है हमारे पास। फिर इन्होंने ये जो मेन एंट्री हमें दिखा रखी है, ये हमारी सीधा ड्राइंग रूम के अंदर आती है। अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूं कि हमारा ड्राइंग रूम इन्होंने किस तरीके से सेटअप किया हुआ है, कुछ इस तरीके से छोटा सा ये ड्राइंग रूम है, लेकिन बहुत ही अच्छा सेटअप किया हुआ है। लुक वाइज बहुत प्यारा है। यहाँ पर आपका LCD स्क्रीन लग जाता है, यहाँ पर आपका बैठने का एरिया बन जाता है। फिर इसके बाद मैं आपको लेके चलूं, इसके अंदर 3 बेडरूम है। पहला बेडरूम अगर मैं दिखाऊं, ये हमारा पहला बेडरूम आ जाता है। आइए दिखाता हूं आपको कितना शानदार है। पहले बेडरूम के साथ हमें बालकनी मिलती है। सामने की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं, यहां पे बालकनी है, डोर है, तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है जहां पे स्टोर आप यूज कर सकते हैं, यहां पे आपकी क्रॉकरी आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड बेडरूम में जाने से पहले ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। अब मैं कॉमन वॉशरूम की बात अगर मैं आपको कहता हूं, तो यही वॉशरूम इस रूम के साथ, ये जो बेडरूम है इसके साथ अटैच्ड भी है। यहां से इसकी अटैचमेंट है, ये रहा इसका डोर। फिर इसके बाद मैं आपको लेके चलूं पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ हमारे पास काफी स्पेस मिल जाता है, हमें काफी बड़ा स्पेस है। ये हमारे पास ओपन स्पेस है पूरा का पूरा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कितना बड़ा स्पेस है यहां पर, ये देखिए पूरा। इसके बाद यहां पर इन्होंने स्टोर बना रखा है। स्टोर के अलावा अगर मैं आपको इसके अगले कमरे की तरफ लेके चलूं, ये हमारा डाइनिंग इन्होंने यहां पर लगा रखा है। हमारे अगले कमरे में जाने से पहले ये डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। फिर हमारे अगले रूम में जाने से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जो मैं हमेशा दिखाता हूं, जो बड़ी सी किचन, किचन जो गृहणियों की शान होती है। ये देखिए इन्होंने कितनी प्यारी किचन बना रखी है। ये भी प्रॉपरली वेंटिलेटेड है, पूरी की पूरी यहाँ पे खिड़की है बड़ी साइज की, प्रॉपरली गैस के साथ यहाँ पे जो गैस की है पाइपलाइन इंस्टॉल्ड है। अब मैं लेके चलता हूं आपको तीसरे बेडरूम की तरफ। सबसे पहले ये हमारी आ जाती है अलमारी, फिर इसके साथ आता है हमारा कंबाइंड वॉशरूम। अब ये जो हमारा थर्ड बेडरूम है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। LCD लगा रखी है, अलमीरा है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ है, आपको मंदिर दिखाना चाहूंगा मैं। ये हमारा एक छोटा सा 3 BHK रूम बन जाता है, 3 BHK घर बन जाता है, जो कि आज ही आप अपने लिए खरीद सकते हैं। रजिस्ट्री केस है, नाम पे खरीदिए, अपने नाम पे ट्रांसफर कराइए। तो जिन्होंने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो वो लोग अपना घर बना सकेंगे। फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमारा नंबर पे कॉल नहीं करी है, कॉल कीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए। हमें हमारे पास पूरे 60 लोगों की टीम है, जो कि आपको घर दिखाने में, घर दिलवाने में मदद करेंगे। तो प्लीज कॉल कीजिए,
वेबसाइट पे चेक कीजिए हमारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी समय हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हमारा कोई ना कोई एजेंट आपको जरूर सहूलियत प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे अब विराम करना चाहूंगा, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।